हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। अज 8 जून है ते अपन रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी पीपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स दे लई। स्टार्ट करांगे सेशन। सब तो पहले सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर। डिफरेंट बैंक ऑफ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। किसी भी एग्जाम की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो डिफरेंट थोड़े लिए कोर्सेज लॉन्च किए जा चुके हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं तो सब तो पहले 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है री इमेजिन रीक्रिएट री स्टोर। इसी के नाल UNEP ने अपनी अलग थीम अनाउंस की है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। और हर साल कोई कंट्री ग्लोबल होस्ट होती है तो इस साल पाकिस्तान है। पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 की ग्लोबल होस्ट कंट्री रही। 2020 की कोलंबिया रही सी। पहली बार ऑब्जर्व किया गया सी 1974 दे विच। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑब्जर्व किया गया 4 जून। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून। इसी दे नाल 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई सी। इस दे विच डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाए करेगा। कदों तो 30 जनवरी नू, तो हर साल 30 जनवरी नू वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज डे होएगा। नेक्स्ट है DCGI ने परमिशन ग्रांट की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे नू अलोंग विद गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपीडेमोलॉजी। इस दे नाल मिलके जो कि मॉस्को का इंस्टीट्यूट है, इस दे नाल मिलके रशिया की जो वैक्सीन है, रशिया की Sputnik V वैक्सीन है, इंडिया दे विच डेवलप की जाएगी। ठीक है जी, इस द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा। UK द्वारा फाइजर वैक्सीन अप्रूव की गई है चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 15 ईयर्स। आरजे प्लासियो इन्हों द्वारा बुक लिखी गई है पोनी नाम की बुक लिखी गई है जो कि रिलीज़ की जाएगी सितंबर दे विच। अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा पोनी बुक के राइटर कौन ने, तो आरजे प्लासियो। CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के नाल पार्टनरशिप की है फॉर कोडिंग सिखाने दे लई और डाटा साइंस करिकुलम दे लई। बेसिकली डाटा साइंस और कोडिंग नू ऐड किया जाएगा करिकुलम दे विच, यानी कि सिलेबस दे विच डिफरेंट क्लासेस दे। इस दे लई माइक्रोसॉफ्ट दे नाल पार्टनरशिप की है CBSE। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोन सेंक्शन किया गया ₹3725 करोड़ का लोन सेंक्शन किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डेवलपमेंट दे। विश्ववीर आहूजा MD CEO बनाए गए ने RBL बैंक दे MD CEO कौन बनाए गए ने, विश्ववीर आहूजा। RBI अनाउंस्ड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NAC है जो इसनों 24/7 अनाउंस किया गया कि यह काम करेगा 24/7 ऑन ऑल डेज ऑफ वीक इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त तो यह काम करना शुरू करेगा। रैसलर सुमित मलिक जो कि एक रैसलर ने, इन्होंने अपने डॉप टेस्ट दे विचों फेल हुए ने। सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा सुमित मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स रेसलिंग।
शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा आईसीसी दी, आईसीसी दी वूमेन T20 बैटिंग रैंकिंग्स दे विच इन्होंने टॉप किया। क्रिकेटर डिवॉन कॉनवे, डिवॉन कॉनवे कौन ने, एक क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते ने, इन्होंने डबल 100 यानी कि डबल सेंचुरी लगाई है अपने टेस्ट डेब्यू, टेस्ट डेब्यू दे विच जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलिया गया सी लॉर्ड स्टेडियम दे विच, इन्होंने 125 साल पुराना 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़िया के एस रणजीत सिंह का जो कि बैट्समैन यानी कि हाईएस्ट स्कोर है जो बैट्समैन का टेस्ट डेब्यू दे विच, बैट्समैन का टेस्ट डेब्यू दे विच हाईएस्ट स्कोर है वह रिकॉर्ड तोड़िया किसने, डिवॉन कॉनवे ने। तो डिवॉन कॉनवे किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं, ये किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड तो बिलोंग कर। डेविड डायोप, डेविड डायोप एक फ्रेंच ऑथर ने, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीते, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीते है डेविड डायोप ने, इन्हों की बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस बुक दे लई जिसनों इंग्लिश दे भी ट्रांसलेट किया गया एना मोस्कोवियस, ठीक है जी। यह प्राइज 2005 दे विच शुरू होया सी और इस दे विच प्राइज मनी की गल करते हैं तो 50,000 pounds ने, 50,000 pounds की प्राइज मनी इस दे विच दिती जाती है। विप्रो, विप्रो ने तीसरी ऐसी आईटी फर्म बन चुकी है, विप्रो तीसरी ऐसी आईटी फर्म बन चुकी है जिसने 3 trillion की, 3 trillion की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंची है। टाइम्स, टाइम्स द्वारा 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट जारी की गई, टाइम्स द्वारा 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट नू जारी किया गया और इस लिस्ट नू टॉप किया, इस लिस्ट नू टॉप किया कि द्वारा इस लिस्ट नू टॉप किया गया, सुशांत सिंह राजपूत द्वारा, सुशांत सिंह राजपूत। सेकंड नंबर पर विजय देवेराकोंडा रही ने और थर्ड नंबर पर आदित्य रॉय कपूर। आदित्यपुरी, आदित्यपुरी जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुके ने HDFC बैंक दे, इन्हां नू अपॉइंट किया गया ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी। फार्म इजी, इंडिया दी लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी फार्म इजी दे बोर्ड दे विच ऐड किया गया आदित्यपुरी ने। लीमा बैलो, लीमा बैलो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मैंबर ने, इन्हों और वर्ल्ड चैंपियन सेलर सके, इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई। इसी के नाल उस्मान खान जो कि हॉकी प्लेयर सके, फॉर्मर हॉकी प्लेयर से, इन्हों की भी रीसेंटली डैथ हो गई। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत द्वारा, थनवर चंद गहलोत द्वारा सेज, सेज नाम का इनिशिएटिव नो लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सेज की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है सेज नाम का इनिशिएटिव किस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे थनवर चंद गहलोत द्वारा। अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर की गल करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने फाइनेंस दे, इन्हों द्वारा हिसाब की किताब, हिसाब की किताब एक मूवी सीरीज नू लॉन्च किया गया, ठीक है जी। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह की अगर आप गल करते हैं, इन्हों द्वारा जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने, इन्होंने अपरूवल दी है मैगा प्रोजेक्ट नू, यानी कि 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, इंडियन नेवी ने सौंपिया जाएंगी, 43,000 crore रुपए का प्रोजेक्ट है और इसनों अपरूवल दे दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। बांग्लादेश, बांग्लादेश ने टैक्स बेनीफिट्स अनाउंस किए ने उन्हां कंपनीज़ नू टैक्स बेनीफिट दिते जाएंगे जिन्हां कंपनीज़ ने ट्रांसजेंडर लोगों को हायर किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 3 caves लभिया गई ने, बुद्धिस्ट केव्स कंपलैक्स नासिक महाराष्ट्र के, इन्हां केव्स नू पांडव लेनी कहा गया, ठीक है जी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गल करते हैं 1861 दे विच बनाया गया सी न्यू दिल्ली दे विच इसका हेडक्वार्टर, ठीक है जी। इस तो इलावा लद्दाख, लद्दाख के रिलेटेड याद रखेंगे, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर यौन टैब स्कीम, यौन टैब स्कीम की शुरुआत की गई है लद्दाख, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर द्वारा।
ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਉੜੀਸਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਤਰ ਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਨੰਦਨ ਕਨਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੋਲਾਦੀਓ, ਘਾਨਾ, ਰਣਥੰਬੋਰ, ਸਰਿਸਕਾ, ਪੰਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਕਿਮ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਂਗੋਸੀਆ ਅਲਪਾਈਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਧੂਮਲਾਈ, ਅੰਨਾ ਮਲਾਈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ? ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ FAO, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ FAO ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਜੂਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਫ ਫੂਡ ਨਾਓ ਫੋਰ ਅ ਹੈਲਦੀ ਟੁਮੋਰੋ, ਸੇਫ ਫੂਡ ਨਾਓ ਫੋਰ ਅ ਹੈਲਦੀ ਟੁਮੋਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਵਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਵਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬੀਮਸਟਿਕ, ਬੀਮਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫੋਰ ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫੋਰ ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। 7 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਢਾਕਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤੈਨਜ਼ੀਨ ਲੈਕਪੈਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਭੂਟਾਨ, ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਬੀਮਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਮ ਤੋਂ ਮਿਆਨਮਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਆਨਮਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਮਸਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਯੂਐਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਜੂਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ICMR, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਇਸਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੂੰ, ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਸ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਟ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੈਨ ਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵੀ ਸੈਲ, ਇਸ ਕਿੱਟ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨ ਬਾਇਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਬੋਟ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਲਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
तो मार्क वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप डिस्कस किया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी आप डिस्कस किए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून ऑब्जर्व किया गया, UNEP द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, UNEP द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दे ऑब्जर्व करने के लिए फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने की ऑब्जर्व किया, एक फिल्म फेस्टिवल 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, नाम रखा गया है ओएसिस ऑफ होप, ओएसिस ऑफ होप, फोर्थ ऑप्शन ओएसिस ऑफ होप। ठीक है जी, सिंपल वन लाइनर दे विच डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एंड एक्सोस्केलेटन फॉर इंडियन सोल्जर्स पोस्टेड एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड दे विच जो सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने, फॉर एग्जाम्पल लेह हो गया, लद्दाख हो गया या मनाली हो गया, इन प्लेसिस दे विच जो इंडियन सोल्जर्स डेप्यूटेड ने, इंडियन सोल्जर्स डेप्यूटेड ने, या सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो उत्थे दे ली की जरूरत पैंती है कि उन्होंने एक किट बना के दी गई है, एक एक्सोस्केलेटन बना के दिता गया, जो कि उन्होंने बॉडी के वेट न, बॉडी के जो मसल्स ने उन्होंने हेल्प करेगा, उन्होंने एक प्रॉपर कहेंगे कि प्रॉपर पोजिशन रखेगा, ताकि उन्होंने जल्दी थकावट ना महसूस ना हो। ठीक है, इस तरीके के इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, किसने बनाया है, तो DRDO द्वारा, DRDO द्वारा इसको बनाया गया, सिंपली याद रखेंगे। तो DRDO के रिलेटेड याद रखेंगे, न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर है, 1958 एग्जैक्ट डेट की गल करिए, 1 जनवरी 1958 में इसको बनाया गया सी, जी रेड्डी इज दे हेड, जी सतीश रेड्डी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी ऑप्शन आप काफ़ी बार डिस्कस किए ने, इन दे रीसेंटली हेड बनाए गए ने CISF, CRPF और BSF, इन दे जो हेड ने इन दे नाम कमेंट बॉक्स से भी दसने। इसरो रिलेटेड आप डिस्कस ही कर लेने हैं, इसरो रिलेटेड 15 अगस्त 1969 उसको बनाया गया सी, कर्नाटका बेंगलोर के हेडक्वार्टर है, और के सिवान इज़ दे हेड, के सिवान नू वॉन करमन अवार्ड दिता गया सी बेंगलुरु तो, याद रखेंगे बेंगलुरु के गवर्नर द्वारा डिग्री भी दी गई सी, इन्हों डॉक्टरेट डिग्री प्रोवाइड की गई। ठीक है जी, नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो फॉर्मूला वन कार रेसिंग है, इस दे विच अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, केड़ी टीम ने जीतया या केड़ी स्पोर्ट्स परसन द्वारा इसको जीतया गया, केड़े रेसर द्वारा जीतया गया, नाम इंपोर्टेंट बनेगा सर्जियो पेरिस। हूँ तक अपने दो नाम डिस्कस किए थे, जिन्होंने एक नाम से लुइस हैमिल्टन का और दूसरा मैक्स वर्सटैपन का। ठीक है, इन्हों द्वारा इवेंट्स जीते जा रहे थे, हुण एक तीसरा नाम न्यूज़ के विच है सर्जियो पेरिस द्वारा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत्या गया। ठीक है, तो बाकी दे अगर आप गल करते हैं डिस्कस कर लें तो याद रखेंगे मैक्स वर्सटैपन द्वारा कि जितया गया, दो जीते गए थे, एक एमिलिया रोमागना, एक मोनैको, एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और मोनैको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जितया, मैक्स वर्सटैपन ने। दूसरा नाम है लुइस हैमिल्टन की अगर आप गल करिए, तो लुइस हैमिल्टन द्वारा बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जितया गया सी, पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स जितया गया सी, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जितया गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल हुण तक 6 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, जिन्हों के विचों 3 ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीते ने, 2 मैक्स वर्सटैपन ने जीते ने, और 1 जीत लिया सर्जियो पेरेज मैक्सीको तो बिलोंग करते हैं, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कंट्री तो ड्राइव करते हैं, किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, तो मैक्सीको और रेडबुल। सिमिलर तरीके लुइस हैमिल्टन याद रखेंगे मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा, और ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ग्लोबल टेरर फंडिंग वॉच डॉग FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस दे अंडर ही काम करती है एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो इस दे अंडर काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप गल करिए, इस द्वारा की किया गया पाकिस्तान नू एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट दे विच रखा गया, यानी कि हजे भी टेरर फाइनेंसिंग दे विच पाकिस्तान काम कर रहा, अपने ऑपरेशन नहीं रोक रहा, इस करके इसनों एनहेंस्ड
एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट दे विच रखा गया। पाकिस्तान, अपने लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा कि पाकिस्तान नू ग्रे लिस्ट दे विच कदों शामिल किया गया सी। ग्रे लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होंगी है फाइनेंसिंग की, जिस दे विच किसी भी कंट्री नू अगर रखा जाता है तो उसकी फंडिंग नू रिड्यूस किया जाता है। काफ़ी घट कंट्रीज ने या काफ़ी घट ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसनू फंडिंग प्रोवाइड कर, ठीक है। अगर ब्लैक लिस्ट की गल करिए तो उन्होंने लिस्ट उन्होंने कंट्रीज़ को किसी भी तरीके की कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। तो सिमिलर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान काफ़ी टाइम तो ग्रे लिस्ट के विच है और दोबारा इस ग्रे लिस्ट के विच ही रखे जाने के चांसिस ने। तो इस कदों ग्रे लिस्ट के विच रखा गया सी, तो इसनों 2018 के विच ग्रे लिस्ट के विच रखा गया, ठीक है जी। याद रखांगे एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ग्लोबल टैरर फंडिंग की गल करिए, 1997 के बनाया गया सी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के इसका हैडक्वाटर है, ठीक है जी। इस तो अलावा अगर गल करते हैं FATF की, तो FATF का हैडक्वाटर पैरिस फ्रांस के है। इसनों 1989 के बनाया गया सी और इस 39 मैंबर कंट्रीज़ ने, FATF की 39 मैंबर कंट्रीज़ ने। यह याद रखांगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है G7, G7 कंट्रीज़ ने, G7 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो इस जर्मनी हिस्सा है, इटली हिस्सा है या होर भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने। अगर आप गल करिए इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, UK हिस्सा है, USA हिस्सा है, जापान इसका हिस्सा है। तो जो ये G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप है, इस द्वारा की अनाउंस किया गया, मिनिमम टैक्स अनाउंस किया गया, ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑन वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनीज, कि वर्ल्ड जी बिगेस्ट कंपनीज ने, चाहे वह फेसबुक है, चाहे वह टाटा कंपनी है, ठीक है, या इन्फोसिस कंपनी है, इन कंपनीज की जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच ने। तो G7 कंट्रीज़ ने की अनाउंस किया कि असं इन्हों के टैक्स लगाव, असी इन दे उत्ते 15% टैक्स लगावे अगर यह साड़ी कंट्री दे विच काम कर रहे, ठीक है। तो यह टैक्स किस कंट्री नू देना पड़ेगा, किस कंट्री दी जिथे दी वो पेरेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कि गूगल कंपनी USA दी वॉशिंगटन दी कंपनी है, ठीक है, या अगर आप गल करिए फेसबुक है, फेसबुक USA दी है, तो USA नू 15% इन्हों एज ए टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये G7 कंट्रीज द्वारा अनाउंसमेंट की गई। G7 की अगर समिट की गल करते हैं तो G7 का 2021 का समिट UK होस्ट कर रहा है, इंपोर्टेंट रहेगा। 2020 की प्रेजेंसी USA दे लवे सी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी दसना है 2022 की प्रेजेंसी किस दे लवे है, 2023 की प्रेजेंसी किस दे लवे। इसी तरीके नाल G20 का याद रखांगे, G20 की 2020 की प्रेजिडेंसी साउदी अरेबिया कोल सी, 2021 की करंटली इटली लवे है। कमेंट बॉक्स में भी दसने 2022, 23 और 24 कि G7 की प्रेजिडेंसी G20 की प्रेजिडेंसी कि लवे, ठीक है, G7 और G20। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनवायरनमेंट रिपोर्ट एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सब तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने तो याद रखेंगे 17 गोल्स ने, ओवरऑल 17 गोल्स ने जिन्होंने इंप्लीमेंट करने का टारगेट रखे गए 2030 कि 2030 तक इन्हों इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, पूरे तरीके फॉलोअप किया जाएगा। तो इसी के अंडर एक लिस्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी की गई है, ग्लोबल रैंकिंग। इस रैंकिंग दे विच इंडिया 91 नंबर पर, इस रैंकिंग दे विच इंडिया 117 नंबर पर, एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 दे विच इंडिया 91 नंबर पर है, 117 नंबर पर, ठीक है जी। सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखेंगे। नेक्स्ट है हू हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मैंबर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो दे विच किना नू अपॉइंट किया गया, फीमा दे अंदर किना नू अपॉइंट किया गया है, तो फीना दे विच मैंबर दे तौर पर वीरेंद्र नानावती नू अपॉइंट किया, ठीक है जी। सिंपली याद रखांगे वीरेंद्र नानापति नू फीना ब्यूरो दे विच ऐड किया गया। फीना दा हैडक्वाटर कित्थे है पूछा जा सकता है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच इसका हैडक्वाटर, फीना दा हैडक्वाटर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच,
इस तो इलावा रिसेंटली दिया कुमारी डिस्कस किया सी राजस्थान तो लोक सभा एम पी ने इन्हों इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन के ऐड किया गया से इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन के बोर्ड के ऐड किया गया संदीप हुड्डा सी एम एस कॉन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो CMS है इस दे विच एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे रणदीप हुड्डा इन्हों रिमूव किया गया एज ए एम्बेसडर ठीक है जी। इस तो इलावा रणजीत सिंह दिसाले न्यूज़ के ने दोबारा न्यूज़ के कहेंगे अगर किसी याद हो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के इन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड दिता पिछले साल 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड दिता सी और पहले इंडियन बने थे जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड दिता गया सी ठीक है। इन्होंने समथिंग बारकोड के रिलेटेड थ्योरी सी इन्हों की CBSE बुक्स के लागू भी किया गया सी तां महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल के टीचर ने इन्हों वर्ल्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड दिता गया सी कह सकते हैं लास्ट ईयर और इन्हों हुण दोबारा न्यूज़ के ने इन्हों इलैक्ट किया गया अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे June 2021 तो June 2024 तक ठीक है जी। नेक्स्ट हू हैज़ लॉन्च्ड ई पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे टू मार्क वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 June को ऑब्जर्व किया गया। इस दिन ई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया E100 पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंडर नैटवर्क स्थापित किया जाएगा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल दे इथेनॉल नू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया जाएगा E100 प्रोजेक्ट के अंडर इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किन्ह ने की है लॉन्च किन द्वारा किया गया इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस तो इलावा ऑप्शनस की अगर आप गल करिए डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर चांदनी चौंक दिल्ली तो लोक सभा एम पी पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री राज्यसभा एम पी महाराष्ट्र। इस तो इलावा होर एडिशनल मिनिस्ट्रीज नू होस्ट कर रहे हैं चाहे वह फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। प्रकाश जावेदकर लवे इनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा अगर आप गल कर रहे हैं प्रकाश जावेदकर ही इनफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नू होस्ट कर रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री इन्हां लवे है यह भी राज्यसभा एम पी ने महाराष्ट्र। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ऑथराइज्ड एमरजेंसी यूज ऑफ कोरोना वैक एक COVID-19 वैक्सीन है एमरजेंसी अप्रूवल दी गई है 2 to 17 years के बच्चों तक दे न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी क्योंकि 2 साल के बच्चे नू भी इस वैक्सीन नू प्रोवाइड किया जाएगा। तो केड़ी वैक्सीन है या केड़ी कंट्री ने शुरुआत की है चाइना ने शुरुआत की है कोरोना वैक जो वैक्सीन है चाइना की वैक्सीन है इसनों ऑथराइजेशन दी गई है 2 to 17 years के बच्चों तक दे। इस तो इलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने हैं तो 3 countries जापान चिली और फिलीपींस तिना ने फाइजर बायोटेक वैक्सीन नू अप्रूवल दी है फाइजर वैक्सीन नू अप्रूवल दी है किस दे लई 12 साल तक के बच्चों नू वैक्सीन लगाउण दे ठीक है जी। हुण तक 18 साल तक के बच्चों नू वैक्सीन लगाई जा रही सी उस तो थले दे 12 साल तक के बच्चों नू वैक्सीन लगाउण दे लई अनाउंसमेंट की गई है केड़ी केड़ी कंट्रीज़ द्वारा जापान चिली और फिलीपींस वैक्सीन केड़ी लगाई जाएगी फाइजर वैक्सीन नू लगाया जाए। डेनमार्क ने अप्रूवल दी है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा लाइनेट होम नाम का एक आर्टिफिशियल आइलैंड कोपनहेगन सिटी है जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन करंसी क्राउन चलती है तो जो कोपनहेगन सिटी है इतने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा ठीक है जी। तकरीबन 35,000 हाउसिस इस उत्ते बनाए जाएंगे काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि सी लैवल दे विच पानी इंक्रीज़ कर रहा है तो इस करके इस तरीके का आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा जो पानी दे विच नहीं डूबेगा ठीक है जी। इंडिया और श्रीलंका ने एक ऑपरेशन चलाया सागर आरक्षा सेकेंड जिसके अंडर बेसिकली एक शिप है MV Express Pearl सिंगापुर द एक शिप है जो कि श्रीलंका के किनारे श्रीलंका के नज़दीक खराब हो गया सी इस दे विचों केमिकल स्पिल हो रहा सी इस दे विच अग लग गई सी ठीक है। इसनों जो मैरीन लाइफ नुकसान है और
इस शिप नू बचाने दे लई की किता गया, इंडिया द्वारा ऑपरेशन जारी किया गया। इंडिया द्वारा श्रीलंका के नाल मिल के ऑपरेशन जारी किया गया सागर आरक्षा टू, जिसके अंडर इंडिया की दो शिप्स प्रहारी प्रहारी और वज्र समुद्र प्रहारी और वज्र भी पार्टीसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट इलैक्ट्रिक व्हीकल सिटी। इंडिया की पहली ई व्हीकल सिटी केड़ी बनाई जाएगी? केवाड़िया। केवाड़िया कितने है? गुजरात के। बेसिकली जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो अथॉरिटी है, इसने अनाउंसमेंट की है कि केवाड़िया गुजरात नू, केवाड़िया गुजरात नू ई व्हीकल सिटी बनाया जाएगा। इतने हर एक व्हीकल नू ई व्हीकल दे विच कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। इस तो इलावा होर ऑप्शन के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने हैं। तो बेंगलोर, बेंगलोर मोस्ट लीवेबल सिटी बनी है इंडिया की। इंडिया की मोस्ट लीवेबल सिटी केड़ी है? बेंगलोर है। दिल्ली 13th नंबर पर रही है, दिल्ली इस बार 13वें नंबर पर रही है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने, रमेश पोखरियाल निशांक ने थर्ड एडिशन जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज के लिए, जिस दे विच पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडेमान निकोबार और केरला। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडेमान निकोबार और केरला, इन्हों द्वारा अच्छा परफॉर्म किया गया। इन्हों A++ ग्रेड के शामिल किया गया, इन्हों A++ ग्रेड के शामिल किया गया। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंडर फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी बैकवर्ड क्लासेस। याद होएगा सिमिलर तरीके की स्कीम केरला ने शुरू की थी, वन स्कूल वन IAS समथिंग, याद हो अगर किसी को, वन स्कूल वन IAS। तो सिमिलर तरीके की स्कीम है जिसके अंडर कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी SC कैंडीडेट्स नू, ST या डिफरेंट डिफरेंट जो बैकवर्ड क्लासेस दी कैंडीडेट्स ने उन्होंने SC BC नू फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी राजस्थान दे विच। चीफ मिनिस्टर कौन ने? अशोक गहलोत ने। तो आज दे लई बस इना ही। आई होप सानू सेशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड बाय।